हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तथा इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें हमने ये देखा कि फ्लूइड क्या होता है और सॉलिड और फ्लूइड्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि लिक्विड और गैसेस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में बात की, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जो कि यूनिट 1 का ही सब टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले कल के ही पिछले लेक्चर में मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा। एडिशन ये है कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो बेसिकली मैंने आपको जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन बताया है, वो मैंने बताया हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है जब फ्लूइड आपका रेस्ट में रहता है, और हाइड्रोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जब फ्लूइड मोशन करता है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की जब बात करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को जो फर्स्ट पार्ट होगा, जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में, तब तो उसे स्टैटिक्स बोल देंगे या हाइड्रोस्टैटिक्स बोल देंगे। जब फ्लूइड मोशन करेगा, यानी कि फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तब हम उसे दो तरीके से और सब डिवाइड कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में ही फ्लूइड मोशन की कंडीशन में रहता है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में? तो काइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है या वो सब ब्रांच है जब फ्लूइड की मोशन की स्टडी करते हैं, बट मोशन के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है उनको कंसिडर हम नहीं करते या उनकी स्टडी हम नहीं करते हैं। जब डायनेमिक्स की बात करेंगे, तो फ्लूइड मोशन के लिए जो कॉजिंग फोर्सेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं जो फ्लूइड को मोशन करवा रहे हैं, उनकी भी स्टडी करेंगे। तो एक इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। चूँकि आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बताया। और इसके साथ ही एक और चीज़ मेंशन है कि गैसेस और वेपर को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए कि गैसेस जो है वो एक नेचुरल स्टेट में पाई जाती है, यानी कि ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। अब ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैटर की मेनली तीन तरह की स्टेजेस होती है, या थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। तो गैस तो एक स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि नेचुरली ये इसी फॉर्म में पाई जाएगी, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस हैं। और वेपर की जब बात करते हैं, तो वेपर हमें फेज चेंज के थ्रू मिलता है, जैसे वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर को गेन करने के लिए हमें वाटर को बॉईल करना पड़ेगा। तो जब वाटर को बॉईल करेंगे, तब हमें वाटर वेपर अवेलेबल होगा। तो ये एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे अपने को मिलेगा, और इसके लिए हमें फेज चेंज प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा। और वेपर को हम लोग वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर को। बट गैसेस के केस में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, नियर इम्पॉसिबल है। तो ये गैसेस और वेपर में भी आप लोग डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में जो आपकी पहली प्रॉपर्टीज़ है वो है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसे दो और नाम से जाना जाता है, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास, और इसका सिंबल होता है रो। इसे डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी तरल के यानी कि फ्लूइड के एकांक आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है, यानी कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आपका यूनिट है, एकांक आयतन यानी कि यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एक मीटर क्यूब के आयतन का द्रव्यमान यानी कि मास, वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी। या सिंपल शब्दों में कहें तो रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अब द्रव्यमान यानी कि मास, इसे सहति भी कहते हैं, तो मास डेंसिटी यानी सहति घनत्व हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मास की यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है केजी किलोग्राम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस तरीके से, देखिए जब प्रेशर आप बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे नियरर होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है डेंसिटी,
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, दे विल गो फार अवे, सो डेंसिटी विल डिक्रीज। और जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल पास आएंगे और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, किस तरह से डिपेंड करती है हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ वाटर, रो वाटर इज इक्वल टू 1000 kg ऑफ मीटर क्यूब। तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखनी है। अब ये 1000 kg पर मीटर क्यूब की जो वैल्यू है वाटर की डेंसिटी की, ये 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लिए है और ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वाटर की डेंसिटी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और इसका जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1000 kg/m³। अब इसी के नीचे मैंने एक रिलेशन दिया है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 m³। तो जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कहीं पर वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है तो उसे आपको ऐसा ही यूनिट में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रिलेशन भी आप ध्यान रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 m³। इसे आप इस तरीके से भी याद रखते हैं, 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो जो आपको कन्वीनियंस है उस हिसाब से आप इसको याद रखें। दो फॉर्मूले डिस्कस किए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 m³। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन, इसका सिंबल होता है स्मॉल वी। किसी भी तरल के एकांक द्रव्यमान द्वारा घेरा गया आयतन उसका विशिष्ट आयतन कहलाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान द्वारा घेरा गया आयतन। जब अपन ने डेंसिटी की बात की तब अपन ने क्या कहा, एकांक आयतन का द्रव्यमान डेंसिटी कहलाता है, और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान द्वारा घेरा गया आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। तो ये बेसिकली डेंसिटी का रेसिप्रोकल, डेंसिटी का उल्टा है। सो स्मॉल वी इज इक्वल टू 1/ρ। किसी भी तरल का विशिष्ट आयतन उसके घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही चीज कि जो स्मॉल वी रहेगा वो 1/ρ के इक्विवेलेंट होगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, मास की यूनिट है kg, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब अपॉन kg। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार या वेट डेंसिटी, भार घनत्व, इसका सिंबल होता है स्मॉल w। इसको डिफाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरल के एकांक आयतन के भार को उस तरल का विशिष्ट भार कहते हैं। जब डेंसिटी की बात की थी जब क्या था, एकांक आयतन का द्रव्यमान, जब स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं तब हम कहेंगे एकांक आयतन का भार स्पेसिफिक वेट कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल w इज इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम। वेट हम लोग जानते हैं, वेट इज इक्वल टू mg, तो w की जगह हमने रख दिया mg। g यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, जिसका मान 9.81 m/s² होता है। तो ये बन जाएगा mg/v। अब m/v क्या होता है आपका, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो m/v बन जाएगा रो और g आपका g की तरह रह जाएगा। तो w होगा आपका, या तो w/v लिख दो, mg/v लिख दो, या ρ/g लिख दो, तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट होगी, अब देखिए यूनिट की जब बात करेंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट का मात्रक क्या होता है, वेट एक तरह का बल है, फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसकी यूनिट स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या बन जाएगी, N/m³। जब पानी के लिए हम लोग स्पेसिफिक वेट निकालने की बात करेंगे तब देखिए W वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ/g। रो वाटर का मान क्या होता है, हमने डिस्कस किया था अभी पिछली स्लाइड में, 1000 kg/m³ एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक वेट का मान क्या हो जाएगा, ρ/g, 1000 × 9.81। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 9810 N/m³। तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1000, और वाटर का स्पेसिफिक वेट क्या होगा, 9810 N/m³। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व और रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, इसका सिंबल होता है S। इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, किसी तरल का घनत्व एवं मानक पदार्थ यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व का अनुपात उस तरल का विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। तो इसको जो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे तो देखिए, अगर आपको किसी भी फ्लूइड के लिए S यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान निकालना है तो उस
फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि एस का मान मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कैपिटल एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या चीज़ है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, सॉरी इसी स्लाइड में डिस्कस करते हैं बट फर्दर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको निकालने के लिए आप उस फ्लूइड की डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। अब देखिए चूंकि इसकी जब यूनिट की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, दोनों जगह अंश और भिन्न दोनों में डेंसिटी है, तो डेंसिटी डेंसिटी का मात्रक दोनों कट जाएंगे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, मात्रक रहित क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए चूंकि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्लूइड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिक्विड्स होते हैं दूसरे होते हैं गैसेस। तो लिक्विड्स के लिए जब स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करते हैं तो हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं, वाटर को लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वाटर इज टेकन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड्स फॉर लिक्विड। तो वाटर के लिए एस का मान क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि लिक्विड के केस में क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो 1000/1000 तो इसका मान निकल के आएगा 1। जब मरकरी यानी कि पारे के लिए अपन एस का मान निकालेंगे तो उसमें आपको करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर। तो मरकरी का घनत्व होता है 13,600 kg/m³ जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और इसकी डिवाइड में स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर की डेंसिटी रखेंगे 1000 kg/m³, तो 13,600/1000 इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 13.6। तो वाटर के लिए एस का मान कितना होता है, एक वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी का 13.6 गुना होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो ये आपसे ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब देखिए लिक्विड के लिए हमने स्टैंडर्ड ऑफ फ्लूइड देख लिया, वाटर होता है। जब गैसेस की बात करते हैं, हालांकि ये अपने स्कोप में नहीं है बट यहाँ पढ़ रहे तो डिस्कस कर लेते हैं। तो गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड आप एयर या हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसे आप स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता किसी द्रव का वह गुणधर्म है जो उस द्रव के अपरूपण यानी कि शेयरिंग मैंने बताया था, शेयरिंग का प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है। श्यानता किसी द्रव का वह गुणधर्म है, वह प्रॉपर्टी है जो उस द्रव को शेयर होने से रोकता है या शेयरिंग का प्रतिरोध करता है। इट रजिस्ट द शेयरिंग ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विट रजिस्ट इट्स शेयरिंग। शेयरिंग मैंने बताया था कि ये आपने हिस्सा फिक्स कर लिया, ये प्लेट आपकी फिक्स है और आप अपर वाली जो पोर्शन है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन फिक्स है और यहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से शेयरिंग फोर्स हो जाएगा, अपरूपण हो जाएगा। तो विस्कोसिटी के कारण वाटर शेयरिंग का विरोध करता है, तो वाटर को शेयरिंग होने से रोकता है, बेसिकली ये है विस्कोसिटी। अगर इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप बात करते हैं कि ऑयल है और वाटर है, मैंने दो फ्लूइड ले लिए, एक तरफ ले लिया मैंने वाटर, दूसरी तरफ मैंने ले लिया तेल यानी कि ऑयल। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर को फ्लो होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप पानी को गिराएंगे फ्लोर पर तो वो इजीली फ्लो करेगा, बट उसी तरह आप ऑयल को गिराएंगे तो ऑयल थोड़ा गाढ़ा होगा और उसको फ्लो होने में वो धीरे धीरे बहेगा, तो ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑयल की जो शीरिंग है वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो इतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा, वो इतनी तेज़ी से नहीं बह पाएगा। और जबकि वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी ऑयल से कम होती है तो वाटर को शीरिंग होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी,
उसकी शेयरिंग का रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि ऑयल का होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है विस्कोसिटी। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का न्यूटन का नियम। किसी भी तरल की सतह पर लगने वाला अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस उस द्रव के कोणीय विरूपण यानी कि एंगुलर डिफॉर्मेशन के समानुपाती होता है। किसी भी तरल की सतह पर अगर आप शियर स्ट्रेस लगाओगे तो उस तरल का जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा वो शियर स्ट्रेस के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। शियर स्ट्रेस का सिंबल होता है टाउ, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो आपको एक ना एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो टाउ इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए एक बार वापस से इस चीज को देखते हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब है, ये नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा क्लियर होगा बट थोड़ा बहुत यहाँ समझने की फिर से कोशिश करते हैं। शेयर स्ट्रेस टाउ है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के इक्विवेलेंट होगा। एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी कि टाइम के साथ एंगल में जो चेंजेस आ रहे हैं। डी थीटा यानी कि थीटा टू माइनस थीटा वन, एंगल पहले थीटा वन था वो थीटा टू हुआ, सो थीटा टू माइनस थीटा वन यानी कि डी थीटा, ये हो गया आपका एंगल में कितना चेंज आया। डी टी यानी कि डी टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी क्या है यहाँ पर टाइम है। तो टी वन से जब टी टू टाइम में थीटा वन थीटा टू हुआ तो डी थीटा पर डी टी जो है वो क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, शेयर स्ट्रेस टाउ के। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में आएगा म्यू। ये म्यू के आगे देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। म्यू जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे कहते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, निरपेक्ष श्यानता, या इसे सिंपली आप विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। ये तीनों टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, म्यू के लिए, जो कि क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए अब जो डी थीटा अपॉन डी टी है और जो टाउ है उसको रिलेशन को समझने के लिए और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। देखिए जो ये वाला आपका पोर्शन है ये आपकी एक फिक्स प्लेट दे रखी है, इसके ऊपर आपका लिक्विड या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ऊपर वाला जो है वो है एक प्लेट है एरिया ए की, जो कि इस फिक्स प्लेट जो कि नीचे वाली है, नीचे वाली फिक्स प्लेट है और ऊपर वाली मूविंग प्लेट है, और ये दोनों किसके बीच में, ये मूविंग प्लेट किसके ऊपर फ्लो कर रही है, एक फ्लूइड के ऊपर, फिक्स प्लेट उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ऊपर वाली सतह पर एक प्लेट मूव कर रही है। ये फिक्स प्लेट है और ये मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट पर फोर्स लग रहा है F, F क्या है, शियर फोर्स, और इस प्लेट का एरिया कितना है A, इसका जो सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया है ये कितना है A, दिस इज सरफेस एरिया, और ये आपकी फिक्स प्लेट है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो वो इस साइड वाला एरिया हो जाएगा, बट सरफेस एरिया यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला एरिया, ये फिक्स प्लेट, बीच में आपका फ्लूइड और ऊपर आपकी मूवेबल प्लेट जिसके एंड पे लग रहा है शियर फोर्स F। अब देखिए तो जब इस तरह से प्लेट मूव करेगी और उसके एंड पे शियर फोर्स F लगेगा तब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जो इस तरह से होंगे, मतलब अगर आपने तीन चार पार्टिकल ये कंसिडर किए जो फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में, वो तो हो गया पार्टिकल वन, उसके ऊपर की तरफ बढ़ रहे तो पार्टिकल टू, पार्टिकल थ्री, पार्टिकल फोर, ये इस तरह से मैंने तीन चार पार्टिकल कंसिडर किए
वाटर की सरफेस पे। तो कुछ समय बाद जो वन वाला जो पॉइंट है वो तो फिक्स प्लेट से जुड़ा हुआ है तो वो तो उसी कंडीशन में रहेगा, जो टू वाला पॉइंट है वो आगे की तरफ मूव करके टू डैश पे आ जाएगा, थ्री वाला है वो थ्री डैश पे आ जाएगा, फोर वाला जो पॉइंट है वो और ज़्यादा मूव करेगा और फोर डैश की पोजिशन ले लेगा। तो कुछ समय पहले जो पार्टिकल्स 1, 2, 3, 4 वाली पोजिशन थी वो कुछ समय बाद 1, 2, 3, 4 कंडीशन हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके, आगे देखते हैं कि ये जो 2 वाला पार्टिकल है इसकी फिक्स प्लेट से डिस्टेंस मैंने ली है स्मॉल y, और जो 3 वाला पार्टिकल है इसकी मैंने फिक्स प्लेट से डिस्टेंस ली है y प्लस dy। इसी को फर्दर आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या किया, जो ये वाला पोर्शन 2, 2-3, 3, इसको मैंने यहाँ पर बड़े फॉर्म में ड्रॉ किया इस तरीके से, इसको समझने की कोशिश कर। देखिए ये 2, 2 है, ये 3, 3 है, 2 वाला जो पॉइंट था वो कुछ समय बाद 2 पे चला गया, 3 वाला पॉइंट था वो 3 पे चला गया। 2 की फिक्स प्लेट से डिस्टेंस कितनी थी y, 3 की फिक्स प्लेट से डिस्टेंस कितनी थी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 3 की फिक्स प्लेट से डिस्टेंस थी y प्लस dy। तो 2 और 3 के बीच वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी dy, y प्लस dy, उसमें से y को माइनस करेंगे तो आपको डिस्टेंस कितनी मिलेगी dy। तो 2 वाली सरफेस और 3 वाली सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dy, ये आपको क्लियर है। अब देखिए जो 2 वाली जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, तो दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो अगर ये 2 वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी अगर स्मॉल u है तो ये dt टाइम बाद एक मैंने स्मॉल टाइम कंसिडर किया dt, तो dt टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, u इंटू dt, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो 2 से 2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी utt, 3 से 3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए अगर 2 वाले पार्टिकल की डिस्टेंस u है तो 3 वाले पार्टिकल की डिस्टेंस स्पीड सॉरी 2 वाले पार्टिकल की स्पीड यदि u है तो 3 वाले पार्टिकल की स्पीड u से तो थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो मूवेबल प्लेट के ज़्यादा पास में है और ये 2 वाला जो पॉइंट है ये फिक्स प्लेट के ज़्यादा पास में है। तो 3 वाले पार्टिकल की मैंने स्पीड ली है u प्लस du, तो 3 से 3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी u प्लस du इंटू टाइम, वही है टाइम पीरियड अपन सेम कंसिडर कर रहे हैं, u प्लस du इंटू dt। तो 2, 2 की डिस्टेंस हो गई आपकी utt और 3, 3 की डिस्टेंस हो गई आपकी u प्लस du इंटू dt। तो ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी होगी u प्लस du इंटू dt माइनस utt। जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा du इंटू dt, तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी du इंटू dt। और जो 2, 2 और 3, 3 के बीच वाली जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वो कितनी है dy, तो ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब देखिए जो यहाँ पर मैं एंगल बनाना भूल चुका हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल होगा आपका d थीटा, जिस एंगल से ये टर्न हुआ है इस एंगल को अपन लेते हैं d थीटा। तो tan d थीटा का मान जो होगा, tan d थीटा हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में tan d थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से क्या आ जाएगा लंब बट्टे आधार। तो ये अगर एंगल d थीटा है, ये वाला एंगल अगर d थीटा है, तो tan d थीटा का मान कितना हो जाएगा du इंटू dt अपॉन दिस डिस्टेंस लंब बटे आधा।
तो टेन डी थीटा हो जाएगा डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। अब देखिए, चूंकि ये डी थीटा है, जो डिफॉर्मेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्लेट के बीच का पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं और हमने इसको केवल बड़े फॉर्म में दिखाया, जबकि ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास पास में है, तो डी थीटा का मान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये बहुत ही कम होगा। तो डी थीटा की वैल्यू वेरी लेस है, जो टेन डी थीटा का मान किसके बराबर होगा, डी थीटा के बराबर। एक्चुअली टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो उससे आप ये लिंक कर सकते हैं कि टेन डी थीटा का मान, जब डी थीटा वेरी स्मॉल है, तब इसका मान टेन डी थीटा का मान डी थीटा के बराबर होगा। तो टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई की जगह आप क्या ले सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, डी थीटा इंटू डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। और फिर जब अपने हमने पहले ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी यू अपॉन डी वाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी टी। पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी, और अब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आप लोग अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। अब देखिए, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी टी है, डी यू अपॉन डी टी को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाओगे इक्वेशन के, तो आपको क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, ये वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो डी यू अपॉन डी वाई है, म्यू तो आपको पता ही, म्यू क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। जो डी यू अपॉन डी वाई है, टाउ है आपकी शेयर स्ट्रेस, डी यू अपॉन डी वाई है आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं वेग प्रवणता, यानी कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई। और शेयर स्ट्रेस का मान अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, शेयर फोर्स आपको दिया हुआ है और जो प्लेट का जो शेयर एरिया है वो अगर आपको दिया हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करके फोर्स अपॉन एरिया करके आप शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स अपॉन शेयर एरिया, रजिस्टिंग एरिया। तो उसी तरीके से शेयर स्ट्रेस आपको क्या मिल जाएगा, शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू है टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से खुद से भी निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की यूनिट आएगी न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, चूंकि टाउ की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी यू अपॉन डी वाई की यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन मीटर, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर, तो उससे मीटर मीटर कट जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन मीटर आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन सेकेंड, और ऊपर था न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आप लोग खुद से भी निकाल के वेरीफाई करना। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है म्यू न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये ऐसा यूनिट में है। एक सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, जो कि आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं, ऑब्सोलीट हो गई है, बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस में, अगर सीजीएस यूनिट में अगर आपको म्यू की वैल्यू दी गई है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। सीजीएस यूनिट में एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू की यूनिट होती है पॉइज, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वन पॉइज इज इक्वल टू 10^-1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो अगर आपको सपोज विस्कोसिटी दी गई है 50 पॉइज, और उसे आपको एसआई यूनिट यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 10^-1 से गुणा करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 50 पॉइज इज इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपको दो तरह की बताएगी, एक तो बताया एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की, एक और विस्कोसिटी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि गतिश्यानता, इसका मात्रक होता है न्यू, स्मॉल वी की तरह दिखता है, न्यू बोलते हैं इसको। तो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, तो जब म्यू को आप रो से डिवाइड करेंगे, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को जब आप
फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। इसकी जब यूनिट की बात करेंगे तो म्यू की यूनिट अपॉन डेंसिटी की यूनिट, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट निकल के आएगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये तो आपकी SI यूनिट है। और इसी तरह अगर CGS यूनिट में अगर वैल्यू दी गई है तो CGS यूनिट इसकी क्या होती है, स्टॉक। और इसका जो रिलेशन होता है CGS यूनिट और SI यूनिट का, वो होता है 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो उससे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको CGS यूनिट दी गई है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो पहले आपको उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपन फर्दर उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो कुछ एडिशन किए कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, और फ्लूइड की जो ब्रांचेज है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखा। सबसे पहले हमने डेंसिटी देखी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर उसी तरह से हमने और देखा, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा जो कि डेंसिटी का रेसिप्रोकल होती है। उसके बाद हमने देखा स्पेसिफिक वेट देखा जो कि होता है स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी निकल के आया था जब हमने सॉल्व किया था। इसी तरह हमने विस्कोसिटी देखी, विस्कोसिटी में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में से फॉर्मूला जो आपका निकल के आया वो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। फिर हमने फर्दर डेरिवेशन किया तो टाउ इज इक्वल टू बना म्यू डी यू अपॉन डी वाई। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू देखी जिसका मात्रक था न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और फिर हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू जो जिसका फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो और जिसका मात्रक था मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। उनके हमने CGS मात्रक भी देखे। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का CGS मात्रक क्या था, पॉइज। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का CGS मात्रक क्या था, स्टॉक। और दोनों में हमने रिलेशन भी देखा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। कुछ प्रॉपर्टी अपनी पेंडिंग है, कुछ बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।